नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे चमत्कारी टोटके, असरदार टोटके और कुछ ऐसी रोचक जानकारी जो आपके जीवन की हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे लेकिन आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा जो रंक को राजा बना देगा, यानी कि आप अपने दोस्तों में और अपने जितना भी आपका सर्कल है उसमें पॉपुलर हो जाएंगे। इस नुस्खे के लिए दोस्तों आपको किसी और चीज की या फिर किसी मंत्र की या तंत्र विद्या की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से बहुत अच्छे से बात करते हैं या फिर हमारी इंटेंशंस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमें गलत समझ लेता है, उसके बाद हमारे बीच में मनमुटाव हो जाता है। हम ये सोच ही नहीं पाते कि आखिर हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन सामने वाले को बुरा क्यों लग गया। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है कि अच्छा करने के बावजूद आपको उसका फल बुरा मिल रहा है, तो हमारे इस नुस्खे को एक बार करके जरूर देखें। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले चमेली का फूल लाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 5 चमेली के फूल ले आइए। चमेली के फूल को अंग्रेजी में जैस्मिन फ्लावर कहा जाता है, जो कि आसानी से आपको किसी भी फूल वाले के पास मिल जाएगा। दोस्तों, ये फूल आपको वीरवार यानी कि थर्सडे के दिन अपने घर में लेकर आने हैं। अब आप अपने मंदिर में बैठकर या फिर किसी एकांत जगह पर बैठकर इस फूल की सारी पत्तियों पर अपना नाम एक लाल रंग के पेन से लिख दीजिए। जब आप दोस्तों इस फूल के ऊपर अपना नाम लिख रहे होंगे तो आपको श्री कृष्ण भगवान का अपने दिमाग में ध्यान करना होगा। उनसे आपको ये प्रार्थना करनी होगी कि आपका जो भी लोग बुरा चाहते हैं या जो भी लोग आपसे नफरत करते हैं, उन सभी के मन में आपके लिए प्रेम आ जाए और वो लोग आपसे नफरत की भावना को खत्म कर दें, तथा आप जहां पर भी जाएं, जब आप कोई अच्छा कार्य करें तो उसका आपको पूरा फल मिले। जी हां दोस्तों, ये पूरी प्रार्थना आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर अपना नाम लिखते हुए पत्तों पर करनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये फूल 3 या 4 दिन के लिए कहीं पर रख कर सुखा लेने हैं। आप देखेंगे 3 या 4 दिन के बाद ये पत्तियां अच्छे से सूख जाएंगी। आप इन्हें अच्छे से बारीक पीस दीजिए या फिर इनका चूरा बना दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको एक अष्ट धातु का ताबीज लाना है या फिर आप एक चांदी का ताबीज भी ले सकते हैं। उसके अंदर इन पत्तियों के चूरे को अच्छे तरह से भर के उसे लाल धागे में आप अपने गले में या तो फिर अपने सीधे हाथ पे बांध सकते हैं। दोस्तों, ये ताबीज पहनते वक्त भी आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके सब कार्य सफल हों। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं बिना किसी वजह के, वो लोग धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। दोस्तों, आपको ये फूल हर महीने बदलने हैं। इसके अलावा जिस लाल धागे में आपने ताबीज को बनाया है, उस लाल धागे को भी आपको हर महीने बदलना है, यानी कि जो पुराने वाले फूल और लाल धागा है उसे आप किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, और हर महीने आपको नए फूल की पत्तियां सुखाकर उस पर अपना नाम लिखकर इस ताबीज के अंदर डालकर पहन लेना है। लाल धागा हर महीने आपको बदलना है। दोस्तों, इस उपाय को आप गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करके देखिए, क्योंकि ये एक अचूक टोटका है जो आपकी मदद करेगा अपने दोस्तों में और अपने सर्कल में लोकप्रिय होने में। ये धीरे धीरे आपकी ख्याति को फैला देगा। और दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि गलत कार्य करके आप ये उम्मीद लगाएं कि आपको फल अच्छा मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए चमत्कारी टोटके YouTube चैनल।